Hi guys, I hope you are doing well. My name is C. Anshul Mittal and in this video, we will be covering the 8th chapter of ACC F9 and the name of the chapter is Working Capital Management Inventory Control. So guys, basically what we were studying, कि हमें ये देखना है कि वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें कितने कितने पैसे लगाने हैं, तो वहाँ पे हमारा जो काफ़ी मेन एरिया आता है दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल मींस हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन्वेंट्री यानी स्टॉक के अंदर हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब तुम बोलोगे कि सर क्या हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि हमें टोटल स्टॉक कितना खरीदना है? नहीं, हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे कि हमें टोटल स्टॉक कितना खरीदना है। देखो, टोटल स्टॉक तो डिपेंड करेगा तुम्हारी सेल्स पे। अब अगर तुम्हें पता है, लेट से तुम्हारी 1 करोड़ की एक साल में सेल होने वाली है, तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें स्टॉक कितना परचेज करना है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कम स्टॉक परचेज करो। वेन यू हैव अ टारगेट कि तुम्हें 1 करोड़ की सेल करनी है, तो उतना स्टॉक तो परचेज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या देखना है इस चैप्टर के अंदर, हमें ये देखना है कि हम जो स्टॉक परचेज कर रहे हैं, हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि अगर तो स्टॉक हम लेस क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, अगर हम स्टॉक लेस क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे कि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं और बार बार ऑर्डर करते हैं कि हमने हर महीने हर 15 दिन बाद स्टॉक ऑर्डर करा है, हम बल्क स्टॉक नहीं रखना चाहते। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारा रेंट बच जाएगा, ठीक है, और हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी होल्डिंग कॉस्ट बच जाएगी, हमारी वेस्टेज कम हो जाएगी। दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये चीज़ें हमें फ़ायदा पहुँचाएंगी। लेकिन हमारा नुकसान क्या होगा इस चीज़ से, अगर हम लेस क्वांटिटी बार बार ऑर्डर करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार बढ़ जाएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट बार बार बढ़ जाएगी। तो स्टॉक जब हम परचेज करते हैं, हमें शायद बल्क डिस्काउंट्स भी ना मिले, जो नॉर्मली जब हम स्टॉक ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करें तो हमें बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो शायद हमें बल्क डिस्काउंट भी ना मिले। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि हमें दोनों सिचुएशन में, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करें या कम क्वांटिटी ऑर्डर करें, दोनों में कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। पहले हम वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अगर हम लेस क्वांटिटी ऑर्डर करें तो फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करें तो क्या फ़ायदे होंगे, तो क्या नुकसान होंगे, और एक बीच का मेथड जिससे हमें ये पता चले कि बिल्कुल एप्ट क्वांटिटी हम ऑर्डर करें कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो यहाँ पे, वो चीज़ हमें देखनी है। ये जो चैप्टर है, दिस इज़ काइंड ऑफ लिंक विद योर चैप्टर इन PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दैट इज़ JIT जस्ट इन टाइम। ये काफ़ी हद तक उससे रिलेटेड है और F2 में भी शायद ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने PM पढ़ा हुआ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उन बच्चों के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, और जिन बच्चों ने F2 पढ़ा हुआ है शायद उनके लिए भी थोड़ा बहुत ही ईजी होने वाला है। और जिन बच्चों ने इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं ये चैप्टर जितना ईजी हो सकता है तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर गाइस। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या बोला हुआ है, देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे वर्किंग क्यों करनी है, हम वर्किंग कैपिटल जो मैनेज कर रहे हैं उसमें व्हाई इन्वेंट्री इज द मेजर पार्ट, व्हाई। सो गाइस द पॉइंट इज, इसका रीजन क्या है, अगर हम देखें, देखो, इन्वेंट्री इज द मेजर इन्वेस्टमेंट फॉर मैनी कंपनीज। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन ईजिली बी कैरिंग इन्वेंट्री इक्वलेंट बिटवीन 50% to 100% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। जितनी उनकी सेल होती है उनका हो सकता है 50% to 100% स्टॉक वो अपने पास परचेज करके रखें। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड टू नेसेसरी मिनिमम, कि हमें इन्वेंट्री अपने पास इतनी ज़्यादा नहीं रखनी कि हमारे बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाए। तो बेसिकली हमें इन्वेंट्री को बैलेंस कैसे करना है, जैसे हम एक बैलेंसिंग देख रहे हैं, तो ये झूला है, दिस इज सी सॉ, तो सी सॉ पे इन्वेंट्री के दो पहलू हैं। अब हमें वो बैलेंस कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दो पहलू सी सॉ के क्या हैं, फर्स्ट इज रिड्यूसिंग इन्वेंट्री टू द लोएस्ट पॉसिबल अमाउंट टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय टू बी फंडेड। मतलब हम सब इन्वेंट्री जितनी कम परचेज हो सकती है वो करके रखें, ताकि परचेज हो, इन्वेंट्री बिके, पैसे आए, दोबारा इन्वेंट्री बिके, दोबारा पैसे आए, और दोबारा हम स्टॉक परचेज करें, एक सर्कल वैसे घूम जाए। तो रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, ताकि हम जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टमेंट, कि जितनी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज़्यादा कम हो, यहाँ पे वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ensuring the sufficient inventory to be held so that it does not run out and disrupt the business, कि एक तो हमें मिनिमम बैलेंस इन्वेंट्री में डालना है
ताकि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगी या जो इन्वेस्टमेंट होगी वर्किंग कैपिटल में वो जितनी कम से कम हो वो बेटर है। और दूसरा, इतना स्टॉक तो हमारे पास होना ही चाहिए ताकि इन केस अगर ऑन द स्पॉट हमें कोई सेल का ऑर्डर आ जाए हम ऑन द स्पॉट वो फुलफिल कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे पास बार बार स्टॉक ख़त्म हो रहा है, स्टॉक आउट हो रहा है, लोग आके वापस जाने के सामान ही नहीं मिल रहा। तो दोनों को हमें बैलेंस करके चल रहा है। तो लिक्विडिटी मीन्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट, कि कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है जितना मिनिमम हो सके। प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमारी सेल पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़े, प्रॉफिट्स हमारे कम ना हो की वजह से, कि अगर स्टॉक आउट हो गया तो हमारी सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। वो हमें यहाँ पे बैलेंस करना है। अब देखो इसमें हमें क्या बताया हुआ है। देखो गाइस, सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ हाई इन्वेंट्री लेवल। अब हमें पहले दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अगर हम इन्वेंट्री हाई रखते हैं तो दिस इज़ हाई इन्वेंट्री। मतलब अगर हम अपने ऑफिस के अंदर, अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री का स्टॉक, ये मेरा वो गोडाउन है, मैं पूरी इन्वेंट्री भर के रखता हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे रेंट पे लिया हुआ है गोडाउन, तो इतना जो एरिया है वो मेरा ही है, इतना स्टॉक, इतना सारा स्टॉक मैं अपने पास लेके रखता हूँ, उसके हमें नुकसान क्या है, उसके हमें नुकसान क्या है अगर मैं हाई इन्वेंट्री रखता हूँ। तो पहला, फॉरगोन इंटरेस्ट फ्रॉम टाइपिंग द कैपिटल इन्वेंट्री, कि जो पैसे मैंने इस स्टॉक में लगा के रख दिए हैं, अभी स्टॉक काफ़ी नहीं बिका, बहुत सारा पड़ा हुआ है, 6 महीने से पड़ा हुआ है, तो 6 महीने से स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक की वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं और हमारे पैसे वेस्ट हो गए। तो हम वो पैसे अगर कहीं और इन्वेस्ट करते तो उसके ऊपर वी मस्ट हैव अर्न सम इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट हमारा लॉस हो रहा है। हमने इतना सारा स्टॉक परचेज करके रख लिया तो उससे क्या होगा, हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, अभी तो सेल भी नहीं हुई। तो अगर स्टॉक काफ़ी लंबा चल गया दैट मीन्स वो पैसे पे कहीं और इन्वेस्ट करके हम इंटरेस्ट या रिटर्न अर्न कर सकते थे, वो हम नहीं कर रहे, एक तो ये हमारा लॉस है। दूसरा, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब ये जो स्टॉक मैंने अपने पास रखा हुआ है इसकी स्टोरेज का कितना खर्चा होगा। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे मुझे बंदे चाहिए होंगे जो थोड़ा ध्यान रखे स्टॉक का, कि कोई टूट रहा हो, ऐसा ना हो, कीड़े ना लगे या कुछ, ध्यान रखे। रिस्क ऑफ थेफ्ट, डैमेज, ऑब्सोलेसेंस, तो मुझे उसके लिए इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ज़्यादा इंश्योरेंस का अमाउंट होगा, आई मीन लाइक जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। सो दीज आर दी कॉस्ट दैट विल बी अकर्ड अगर हम हाई इन्वेंट्री अपने पास रखें। तो कॉस्ट ऑफ हाई इन्वेंट्री लेवल जल्दी से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है फटाफट से। सो पहला हमें बताया हुआ है कैरिंग इन्वेंट्री इन्वॉल्विंग अ मेजर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हमें बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एंड देयरफॉर लेवल नीड्स टू बी वेरी टाइटली कंट्रोल्ड। हमें बहुत टाइटली कंट्रोल करना पड़ेगा कि स्टॉक कितना हमें अपने पास रखना है। द कॉस्ट इज नॉट जस्ट दैट ऑफ परचेजिंग दिस गुड्स, के खाली परचेजिंग से मतलब नहीं है, जैसे स्टोरिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, मैनेजिंग का खर्चा, कि जो लोग ध्यान रखेंगे हमारे स्टॉक का, वो भी खर्चा हमारा बढ़ जाएगा अगर हम बहुत बल्क में स्टॉक परचेज करते हैं। तो क्या क्या खर्चे होते हैं, एक होती है परचेज कॉस्ट, कि वंस गुड्स आर परचेज बहुत सारा पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है जिसमें भी रिटर्न नहीं आएगा, ये मैं करा चुका हूँ। स्टोरेज एंड स्टोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि स्टोरेज मतलब मुझे स्टोरेज के लिए रेंट पे करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुझे लड़के रखने पड़ेंगे, ठीक है। अदर रिस्क, थेफ्ट का रिस्क हो सकता है। वन स्टोर्ड गुड्स विल नीड टू बी इंश्योर्ड, स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट मे बी नीडेड टू ट्रांसपोर्ट द इन्वेंट्री टू वेयर इट इज़ यूज, कि अगर वेयर हाउस से मुझे कहीं और उस स्टॉक को लेके जाना है तो मुझे अलग से सामान चाहिए होगा, वरना तो मैं डायरेक्टली सामान अपने गोडाउन में मंगा लेता, लेकिन मैंने इतना सारा स्टॉक परचेज करके रखा हुआ है तो मैं अपनी फैक्ट्री में तो स्टॉक रख ही नहीं सकता, तो मुझे गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो गोडाउन से बार बार स्टॉक लाने के लिए मुझे कोई इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। या तो मैं क्या करूँ, सीधा मैं परचेज ही इतना करूँ जितना सीधा मैं अपनी फैक्ट्री में लगा दूँ, मुझे स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ चाहिए, वो एक खर्चा। सो द लॉन्गर इन्वेंट्री इज हेल्ड, जितना ज़्यादा लंबा हम इन्वेंट्री को अपने पास रखेंगे, द ग्रेटर द रिस्क दैट विल एंड डेटरेट और बिकम आउट ऑफ डेट, के स्टॉक पुराना भी हो सकता है ना, नया नया स्टॉक आता रहता है, स्टॉक पुराना हो गया, एक्सपायर होने वाला है, जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं हमारे खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो तो चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएंगी अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक रख लिया, तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब आता है कॉस्ट ऑफ लो इन्वेंट्री लेवल। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब तो ये है हम जितनी कम इन्वेंट्री रखें उतना बेटर है, लेकिन अगर हम इन्वेंट्री लो रखते हैं तो उसमें भी हमारे काफ़ी खर्चे हैं। क्या क्या खर्चे हैं देखो, सो इफ़ इन्वेंट्री लेवल आर केप्ट टू लो, अगर इन्वेंट्री लेवल में बहुत कम रखता हूँ अपने पास, कि मेरा जो ये वेयर हाउस है मैं वेयर हाउस में
सिर्फ इतना ही स्टॉक रखता हूँ, इससे ज़्यादा रखता ही नहीं, जब चाहिए वो सीधा सीधा ऑर्डर किया और काम करा लिया। उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे, तो पहला है स्टॉकआउट्स। स्टॉकआउट मतलब कि मुझे व्हेन नीडेड स्टॉक वॉज नॉट अवेलेबल, कि जब मुझे चाहिए था ऑन द स्पॉट स्टॉक मिला नहीं, मैंने बोला कि आप 10 दिन वेट करो, मेरा स्टॉक वहाँ से आएगा, फिर मैं बनाऊंगा, फिर आपको सेल करूंगा। कस्टमर ने बोला भाई इतना टाइम नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो दैट इज स्टॉक आउट्स। अब स्टॉक आउट अगर हो गया तो हमारे को क्या क्या नुकसान है, एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेल ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोडक्शन स्टॉपेज, प्रोडक्शन खत्म कम रुक जाएगी हमारी, स्लो हो जाएगी प्रोडक्शन रुक जाएगी, और फालतू की डेप्रिसिएशन जो मशीन पर लग रही है। एमरजेंसी ऑर्डर्स, अब एमरजेंसी ऑर्डर्स अगर हमें करने पड़े, मान लो हमारे पास स्टॉक खत्म हो रहा है तो हमने एमरजेंसी ऑर्डर करा कि यार फटाफट से स्टॉक भिजवा दे, तो पहली बात तो वहाँ पे हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और हो सकता है बंदा हमसे प्रीमियम अमाउंट पे हमें सामान बेचे, वो तो ये बोले कि यार उसको तो ज़रूरत है, ऑन द स्पॉट सामान चाहिए उसको रात रात में ही, तो मैं तो उससे अगर 10-20% एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लूँ तब भी वो दे देगा, उसको तो सामान चाहिए, वो तो फंसा पड़ा है। सो दैट इज़ एमरजेंसी ऑर्डर्स। तो एमरजेंसी ऑर्डर्स के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा छोटा स्टॉक ऑर्डर करता हूँ, मेरे पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर आ गया तो मुझे काफ़ी स्टॉक चाहिए, मैं तो रखता ही नहीं स्टॉक अपने पास, बहुत थोड़ा स्टॉक रखता हूँ, लो लेवल रखता हूँ, तो मैंने परचेजर को बोला भाई सुबह तक ना मेरे को इतना सारा स्टॉक और भिजवा दे। उसने बोला भाई सुबह तक नहीं भिजवा सकता मैं, भी तो 3-4 दिन लगेंगे। मैंने बोला ना ना यार मेरे को सुबह तक चाहिए, मेरे को काम करके कस्टमर को देना है। तो वो क्या कहेगा, ठीक है ऐसी बात है तो इतना रेट दे मेरे को। तो तुम्हारा कितना खर्चा होगा, एडिशनल खर्चा भी हो सकता है। फिर हो सकता है इस सिचुएशन में तुम क्या करो, तुम बोलो भाई मैं तो नया बायर देखूँ, नया वो देखूँगा, सेलर कोई नया बंदा देखूँगा, उसको जहाँ से मुझे सस्ता मिले उसको ढूंढने का खर्चा। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारी हो सकती है, दैट इज़ एमरजेंसी ऑर्डर। हाई री ऑर्डर एंड सेटअप कॉस्ट, के बार बार अगर हम छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान ऑर्डर करते रहेंगे तो हमारा बार बार जो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ये हमें बार बार पे करना पड़ेगा। अब मान लो एक ट्रक है, ठीक है ये एक ट्रक है, अब इस ट्रक में अगर मान लो इतना सामान है तब भी उतना ही खर्चा है, इतना सामान है तब भी उतना ही खर्चा है, ठीक है ना। तो बेटर ये है ना कि हम ज़्यादा सामान ऑर्डर करें, लेकिन हम तो कम सामान ऑर्डर करते हैं, तो बार बार इतना सामान ऑर्डर करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना ज़्यादा आ जाएगा। लो क्वांटिटी डिस्काउंट या लॉस क्वांटिटी डिस्काउंट, जब भी हम सामान बल्क में परचेज करते हैं हमें बल्क डिस्काउंट मिलते हैं, लेकिन हम तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो डिस्काउंट चला जाएगा। सो दीज आर दी कॉस्ट दैट विल अकर अगर हम लो इन्वेंट्री का सामान ऑर्डर करें, ठीक है लो इन्वेंट्री का सामान ऑर्डर करें। तो इसको एक बार पढ़ लेना, मैंने तुम्हें समझा दिया है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड। सो अब हमारे पास चैलेंज क्या आया, सो चैलेंज हमारे पास ये आया कि ना तो हम हाई इन्वेंट्री रख सकते ना तो हम लो इन्वेंट्री रख सकते, तो हम कितनी इन्वेंट्री रखें ताकि हमारा बेसिकली जो होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम आए, कि होल्डिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो, वो चीज़ हमें देखनी है। दैट विल बी द लेवल जितना हमें स्टॉक ऑर्डर करना है। और ये चीज़ तुम्हें जो बच्चे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको याद होगा, दिस वॉज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। सो जस्ट इन टाइम वॉज द मेथड जहाँ पे ऑन द स्पॉट हम ऑर्डर इतनी क्वांटिटी करते थे कि हम अपना मिनिमम खर्चा करते थे, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट देयरफॉर डिटरमाइंस द ऑप्टिमम रीऑर्डर लेवल, कि मुझे कितनी किस टाइम पे ऑर्डर करने के, साल में 4 बार, साल में 5 बार, साल में 6 बार, हाउ मैनी टाइम्स इन ईयर, तो इसका मतलब हाउ मैनी टाइम्स इन ईयर मुझे अपना स्टॉक ऑर्डर करना है, और ऑप्टिमम रीऑर्डर क्वांटिटी के हाउ मच क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड पर ऑर्डर, कि हर ऑर्डर में मुझे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, तो क्वांटिटी कितनी करनी है और टाइम पीरियड, सो हाउ मैनी टाइम्स एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मुझे हर ऑर्डर में ऑर्डर करनी है। सो इन प्रैक्टिस दिस मीन्स स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग कॉस्ट ऑन द वन हैंड एंड स्टॉक आउट और री ऑर्डर कॉस्ट ऑन द अदर, दैट मीन्स कैरिंग कॉस्ट और सॉरी होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इन द अदर हैंड, ठीक है। सो द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द लिक्विडिटी, मतलब कीपिंग द इन्वेंट्री लो ताकि इन्वेस्टमेंट कम हो, एंड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मेंटेनिंग हाई इन्वेंट्री लेवल, दिस डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा फंडिंग विच
माइट ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन होल्डिंग कॉस्ट एंड रीऑर्डर कॉस्ट, यानी इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट रीऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द की टू एनी डिस्कशन ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है, हमें यह देखना है कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी रीऑर्डर या स्टॉक आउट कॉस्ट, इसको हमें मिनिमम करना है, कि इन दोनों का जो टोटल है दैट शुड बी मिनिमम, जहाँ पे हमारा इतनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म हमारा आता है दैट इज टर्मिनोलॉजी, अब कुछ टर्म्स आएंगे यहाँ पे जो अलग टर्म्स हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सो अदर की टर्म्स एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूड लीड टाइम, अब लीड टाइम का मतलब क्या होता है, लैग बिटवीन व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड एन आइटम इज डिलीवर्ड, जैसे ये हमारा सेलर है जहाँ से हम सामान परचेज करते हैं, ये हम हैं, मैंने इसको ऑर्डर दिया कि मुझे इतना सामान चाहिए, इसने वो सामान मुझे 3 डेज में भेजा, तो ऑर्डर देने के 3 दिन बाद मुझे सामान आया, तो लैग टाइम विल बी 3 डेज। तो एक जो चीज़ हमें समझनी है दैट इज़ लैग टाइम, कि लीड टाइम सॉरी, कि लैग बिटवीन द ऑर्डर प्लेस एंड द टाइम व्हेन द गुड्स इज डिलीवर्ड। देन आता है बफर इन्वेंट्री, बफर इन्वेंट्री मीन्स द बेसिक लेवल ऑफ इन्वेंट्री केप्ट फॉर एमरजेंसीज, कि हमें इतना तक स्टॉक तो अपने पास रखना ही पड़ेगा मिनिमम। जैसे इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है बफर इन्वेंट्री का, जैसे आजकल काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैं खुद क्या करता हूँ, मैंने बफर कॉस्ट रखी हुई है अपने पेटीएम में, पेटीएम या फिर जैसे जो हमारे ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं इंडिया में, पेटीएम है, पेटीएम या गूगल पे, जैसे लेट से गूगल पे कर लेते हैं, गूगल पे में नहीं होता, जैसे पेटीएम कहते हैं ऑनलाइन वॉलेट्स, ठीक है। तो मैंने अपने ऑनलाइन वॉलेट जैसे पेटीएम है मेरा, मैंने इसमें क्या रूल बनाया हुआ है, सिंपल सा रूल क्या बनाया हुआ है, जब भी मेरा पेटीएम का बैलेंस 1000 से नीचे जाता है, जब भी मेरा पेटीएम का बैलेंस 1000 से नीचे जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट ऐड हो जाता है कि मेरा पेटीएम बैलेंस 1000 पहुंचे। जैसे मेरा 1200 था और मैंने 800 का सामान परचेज कर लिया, तो दैट मीन्स 400 बैलेंस रह गया, तो ऑन दी स्पॉट इसमें 600 बैंक से ऐड हो गए और दोबारा से मेरा पेटीएम बैलेंस 1000 हो गया। सो दैट इज कॉल्ड बफर कैश। तो ऐसे ही बफर इन्वेंट्री, कि इतना मिनिमम स्टॉक तो हमारे पास होना ही होना चाहिए, कि जब भी हमें कोई ऑर्डर आए कुछ है तो हमें पता है कि इतना तो कभी भी ऑर्डर हमें आ सकता है, इतना तो हमें मिनिमम रखना ही पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ जो हमारी टर्म आती है जो हमें पढ़नी है दैट इज़ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये बच्चों ने शायद F2 और F5 जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको काफ़ी हद तक याद होगा, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। और बाकी जो बच्चे हैं याद रखना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इट मींस कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है, हाउ मच क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एंड टाइम पीरियड कितना कितना होना चाहिए ताकि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इन टोटल ये मिनिमम आए, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो, तो इन टोटल ये कॉस्ट मेरी मिनिमम आए, कि कितनी क्वांटिटी मुझे ऑर्डर करनी है और कितने टाइम पीरियड में ऑर्डर करनी है, वो चीज़ हम निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। सो फॉर द बिजनेस दैट डू नॉट यूज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस मोर इन डिटेल बिलो, देर इज़ अ ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर इन्वेंट्री आइटम दैट इज नोन एज EOQ। सो द चैलेंज, द एम ऑफ EOQ मॉडल इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग इन्वेंट्री, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। तो अब हम इसमें जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसका, मैं तुम्हें देखो क्रक्स बताता हूँ, ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं है, तो मैं तुम्हें चार्ट ही बना के दिखाता हूँ, उसे तुम्हें समझ आ जाएगा, इसको तुम एक बार बस थ्योरेटिकली पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। सो गाइस यहाँ पे ना मैं तुम्हारे को देखो एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ, इसका चार्ट का जैसे इसी से लिंक करके देखो, ये वैसे इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है बट मैं स्क्रैच से बना के दिखाता हूँ। तो EOQ का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये जो मेरा है दैट इज क्वांटिटी ऑर्डर, क्वांटिटी ऑर्डर्ड पर ऑर्डर, कि पर ऑर्डर मैं कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ, और ये जो है दैट इज मेरा एनुअल कॉस्ट, कि मेरी एनुअल कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है, एनुअल कॉस्ट कितनी आएगी। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूँ अपनी होल्डिंग कॉस्ट की, देखो अगर तो मैं क्वांटिटी ऑर्डर जो है
ज़ीरो क्वांटिटी ऑर्डर है मेरी, मैं देखो कलर चेंज करता हूँ, अगर मेरी ज़ीरो क्वांटिटी ऑर्डर है तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी ज़ीरो होगी, ठीक है। अगर मैं इतनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, क्यों? क्योंकि मैं कम स्टॉक अपना ऑर्डर कर रहा हूँ, तो कम स्टॉक मुझे अपने पास रखना पड़ रहा है। तो अगर मैं ज़्यादा स्टॉक ऑर्डर करूँगा एक बारी में, बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स मुझे वो स्टॉक अपने पास भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। अगर मैं इतना बल्क में स्टॉक ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे को उस स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट, रेंट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, वो सब कुछ करना पड़ेगा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स मेरी होल्डिंग कॉस्ट यहाँ हो जाएगी। तो ये मेरा बनता है होल्डिंग कॉस्ट का चार्ट। सो दिस इज़ माई होल्डिंग कॉस्ट। अभी के लिए इन्वेंट्री से रिलेटेड मैं एक इक्वेशन बोलता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस क्या होगा दूसरा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री से हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड मेजरली दो चीज़ें होती हैं, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री का खर्चा तो हमें करना ही करना पड़ेगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो तो हम बचा ही नहीं सकते। तो हम कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, होल्डिंग और ऑर्डरिंग में। तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी ये आ गई। अब आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मान लो मैं ज़ीरो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ, देखो यहाँ तो ज़ीरो होगा, अगर मैं कम क्वांटिटी में स्टॉक ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक परचेज करना पड़ेगा। अगर मैं कम क्वांटिटी में स्टॉक परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को बार 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 स्टॉक परचेज करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा था होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अगर मैं बहुत कम स्टॉक एक बारी में परचेज करूँगा तो मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है बहुत बढ़ जाएगी पूरे साल की, तो एनुअल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर मैं और थोड़ा स्टॉक अपना ज़्यादा परचेज करूँगा तो मेरी एनुअल कॉस्ट जो है ऑर्डरिंग वाली वो थोड़ी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर की वो थोड़ी कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का चार्ट चलता है। तो ये मेरा हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये जो ग्राफ है दिस विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक ऑर्डर करूँगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी ज़ीरो नहीं होगी कभी, क्यों? क्योंकि एक तो ऑर्डर करूँगा ना साल में, एक या दो बार तो ऑर्डर करूँगा ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कभी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन बहुत कम हो जाएगी। कम क्वांटिटी ऑर्डर करूँगा, बार बार ऑर्डर करूँगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम आएगी। ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करूँगा, होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत कम होगी। तो तुम कहोगे कि सर फिर तो ये पॉइंट बेस्ट है हमारा, दिस पॉइंट इज़ बेस्ट। आई वुड से येस, दिस पॉइंट इज़ बेस्ट। और यहीं पे हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी मिनिमम। अब मैं टोटल कॉस्ट का अगर ग्राफ बनाऊँ वो यहीं से स्टार्ट होगा, देखना, वो ऐसे स्टार्ट होगा ऊपर से, वो ये बनेगा ऑर्डरिंग, दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ज़ीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरी, देखो यहाँ से अगर मैं टोटल कॉस्ट स्टार्ट करूँ, देखो इधर से स्टार्ट करते हैं टोटल कॉस्ट, सो ये आएगी मेरी टोटल कॉस्ट। अब देखो पहले टोटल कॉस्ट यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई है, इतना तो मेरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इतना होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता जा रहा है लेकिन मेरा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे मेरी ऑप्टिमम आएगा, दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि यहाँ पे मेरा होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल है दैट विल बी मिनिमम। कहीं पे भी और जाएं वहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट जो होगी वो आएगी ज़्यादा। तो हमें यही वाला पॉइंट देखना है जहाँ पे हमारी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है। हालांकि एग्जाम में तुमसे ये चीज़ यहाँ पे नहीं पूछेंगे बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या F2, तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बट कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। यही चीज़ पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम करनी है, वो तो हो ही नहीं सकती, एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा एप्ट पॉइंट क्या है जहाँ पे टोटल कॉस्ट इन दोनों की मिला के सबसे कम आए, दैट इज आर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसके लिए कुछ अजम्पशंस हम क्या लेके चलते हैं, अजम्पशन सबसे पहली क्या है हमारी, कि डिमांड एंड लीड टाइम आर कॉन्स्टेंट एंड नोन, कि डिमांड जो है प्रोडक्ट की और जो लीड टाइम है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डिमांड चेंज होती रही तो ऑर्डर चेंज होना पड़ेगा, लीड टाइम होगा तो भी ऑर्डर क्वांटिटी में फ़र्क पड़ेगा। हम मान के चलते हैं कि वो कॉन्स्टेंट रहे। परचेज प्राइस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, क्योंकि परचेज प्राइस अगर कम हो गया
तो हम कम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। परचेज प्राइस अगर बढ़ गया तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे ताकि बल्क डिस्काउंट मिल जाए। एंड नो बफर इन्वेंट्री हेल्ड, कि हम कोई भी बफर इन्वेंट्री अपने पास अभी के लिए नहीं रख रहे, जितना सामान चाहिए उतना परचेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 2COD/CH अंडर रूट। तो दिस विल बी CO मींस कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, एनुअल डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट फॉर वन ईयर। एक साल तक एक यूनिट को रखने की होल्डिंग कॉस्ट हमारी क्या आती है वो निकालेंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड इंटू टू डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट अंडर रूट, वो हमारा आंसर आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है गाइस, तो अब अगर हमें, इन्होंने दो फॉर्मूले और बताए हुए हैं कि अगर हमें एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट की, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू एवरेज इन्वेंट्री। होल्डिंग कॉस्ट यानी सी एच पर यूनिट इंटू एवरेज इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, या जो भी क्वांटिटी है डिवाइड बाई टू, वो हमारी आ जाएगी एवरेज। दैट विल बी टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, नॉट पर यूनिट, टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। और अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें देखनी है, सो दैट विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, कि हर ऑर्डर पे क्या कॉस्ट आता है, इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉस्ट, जितने हम ऑर्डर करते हैं इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। द फॉर्मूला इज सी ओ, दैट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डिमांड डिवाइड बाय, इंटू डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑर्डर। सो डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। क्या एनुअल डिमांड कितनी है, एनुअल डिमांड को हमने डिवाइड किया कि एक बार कितनी क्वांटिटी आती है, तो वहाँ से हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता लग गए, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो हमारे को टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता यहाँ से चल जाएगी। अब हम सीधा सीधा करते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन, जहाँ से हमें क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ आएगा। सो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन में क्या लिखा हुआ है गाइस, यहाँ लिखा हुआ है अ कंपनी रिक्वायर्स 1000 यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स पर मंथ, द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 30 रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर। हमें पर ऑर्डर साइज $30 है, द होल्डिंग कॉस्ट आर $2.88 पर यूनिट पर ईयर, के पर यूनिट पर ईयर हमारा 2.88 पर ऑर्डर है। इन्वेस्टिगेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग द मटेरियल इफ क्वांटिटीज ऑफ 400, 500, 600 यूनिट्स एट वन टाइम आर परचेज, विच इज द चीपेस्ट ऑप्शन यूजिंग ईओक्यू फॉर्मूला, प्रूव योर आंसर इज करेक्ट। हमें तीनों ऑप्शंस में पहले बताना है कि हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर ईओक्यू से हमारा आंसर निकालना है, देखना है कहाँ पे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम आती है। ओके, कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम 400 की क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, एनुअल डिमांड कितनी है, इतनी, तो टोटल पहले मैं निकालता हूँ होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है गाइस, होल्डिंग कॉस्ट इज जितने में, तो इट इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो हमें दी हुई है 2.88 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री हमारी क्या है, हमें बताया हुआ कि हम 400 की क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, तो एवरेज विल बी 400 डिवाइड बाय 2। सिंपल, हमें 400 डिवाइड बाय 2 कर देना है। एवरेज इन्वेंट्री मतलब जो भी हमें इन्वेंट्री दी हुई है डिवाइड बाय 2। सो दैट मीन्स, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये, तो इट विल बी 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.88, सो माई आंसर इज 576। तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी आ रही है 576, और कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी पर ऑर्डर मेरा जाता है $30 इंटू एनुअल डिमांड है 1000 डिवाइडेड बाय एक बारी में 400। सो दैट मीन्स 1000 डिवाइड बाय 400 इंटू 30, सो दैट मीन्स, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे पर एनम आंसर देना है गाइस। यहाँ दिया हुआ है 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर मंथ, यहाँ पे मंथली दिया हुआ है, तो ईयरली कितना हो गया, ईयरली 1000 इंटू 12, दैट इज 12000 यूनिट्स पर एनम। सो यहाँ मेरा 1000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 12000 यूनिट्स पर एनम। सो 12000 डिवाइड बाय 400 इंटू 30, सो दैट मीन्स 900 की आ गई मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी होगी, 900 प्लस 576, दैट मीन्स 1476, ये मेरी आ गई
400 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट $1,476। तो डॉलर्स 1476 ये मेरी आ गई। इन केस अगर मैं 400 की क्वांटिटी में परचेज करता हूँ, अब आता है अगर मैं 500 यूनिट्स एक बारी में परचेज करता हूँ तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी। होल्डिंग कॉस्ट विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज इनटू 2.88। तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो 2.88 इनटू 500 डिवाइड बाय 2, सो दैट मींस ये आ गई 720। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो मेरी आएगी, इट विल बी कॉस्ट पर ऑर्डर 30 इंटू 12,000, जैसे कि मैंने बताया था कि एनुअली हमें 12,000 यूनिट चाहिए। अब पर ऑर्डर हम मंगा रहे हैं 500, तो 30 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 500, तो ये आ रही है मेरी 720। तो 720, अच्छा 270 लिख दिया मैंने, तो 720 प्लस 720 दैट मीन्स 1440 कि अगर मैं 500 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ तो मेरी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1440। अब ऐसे ही मैं 600 का आंसर तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, 600 का तो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 1464, 600 यूनिट्स मेरा ये आएगा। ठीक है, एक बार टैली भी कर लेते हैं, चलो टैली करके देखना, चलो छोड़ो क्या टैली करना, छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है हम सीधा अपना आंसर निकालेंगे। तो ये मैंने तीनों से अपना आंसर निकाला, तो यहाँ से देखा जाए तो जब मैं 500 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ सबसे कम है। अब EOQ का फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ, सो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 30 इंटू क्वान्टिटी पर एनम विच इज 12,000 डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 2.88। तो इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 30 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय 2.88, जो भी आंसर आया अंडर रूट, जब मैंने बटन दबाया, ये वाला बटन मैंने कैलकुलेटर में दबाया, तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 500। दैट मीन्स 500 यूनिट्स पे मेरा टोटल जो कॉस्ट है वो सबसे कम आएगा। और दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड हेयर, जब मैंने तीनों से अपना आंसर निकाला तो यहाँ पे मेरा आंसर सबसे कम आ रहा था। तो दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2। इसमें क्या है, मंथली डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज 10,000 यूनिट्स, दैट मींस पर एनम होगी हमारी 1,20,000। द परचेज प्राइस इज $10 per unit इज द परचेज प्राइस है, एंड कंपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज 15% पर ईयर। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं इस तरह से। वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज दिस, कि वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट यानी जो मेरी होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज $2, एंड द सप्लायर चार्ज इज 200 पर ऑर्डर फॉर डिलीवरी, दैट मीन्स मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इतनी है। अब यहां पे मुझे निकालना है अपना EOQ। अब गाइज यहां पे एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट है, वो एडिशनल पॉइंट क्या है ध्यान से देखना। देखो हम होल्डिंग कॉस्ट की बात क्या करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट मींस कि अगर हम स्टॉक परचेज करके अपने पास होल्ड करते हैं, इफ वी होल्ड दी स्टॉक, तो उस केस में व्हाट आर दी एडिशनल कॉस्ट। अगर हम स्टॉक अपने पास होल्ड करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम स्टॉक अपने पास होल्ड करते हैं तो एडिशनल कॉस्ट हमारी क्या पड़ती है, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। तो एक तो हमें बताया हुआ है कि जी स्टोरेज कॉस्ट हमारी है, जो स्टॉक को हम स्टोर करके रखते हैं, पर यूनिट हमें पड़ती है $2। तो $2 तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है ही है। प्लस ये ध्यान से सुनना पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्टॉक अपना अपने पास होल्ड करके रखते हैं, सो दैट मीन्स जो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है हमारा, कैसे कि हमने स्टॉक परचेज करके रखा तो पर यूनिट हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब कि ये मान के चलो कि अगर हमने लोन लिया था, मैंने बताया था हम हमेशा कभी ये नहीं मानते कि हमने अपनी पॉकेट से पैसे लगाए हैं, हमने लोन लिया था तो लोन लेके हमने स्टॉक परचेज किया था तो उस लोन पे इतना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ा पर एनम। तो $10 इंटू 0.15 या इंटू 15/100 दैट मीन्स $1.5 पर यूनिट, इतना मुझे इंटरेस्ट हर साल बैंक को पे करना पड़ रहा है स्टॉक अपने पास होल्ड करके रखने का। अगर मैं स्टॉक होल्ड ना करता,
तो ना मैं इतनी बल्क में परचेस करता तो ना ये मेरे पैसे ब्लॉक होते। अगर मैं ज़्यादा स्टॉक परचेस करूँगा, होल्ड करूँगा, तो मुझे इतना एडिशनल कॉस्ट और देनी पड़ेगी। अगर मैं होल्ड ही नहीं करता स्टॉक तो ये पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा 2+1.5, दैट मीन्स जो टोटल मेरी होल्डिंग कॉस्ट होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 3.5। क्यों? एक तो होल्डिंग कॉस्ट पर जो स्टोरेज कॉस्ट मुझे दी हुई है 2 per dollar, ये तो पर यूनिट तो दी हुई है, प्लस होल्ड करने की वजह से मैं जो इंटरेस्ट लूज़ कर रहा हूँ अपना, वो भी मुझे होल्डिंग कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ 1.5। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट विल बी 3.5। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी विल बी 2 × ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज़ 200 into annual demand यानी 120,000 divided by my holding cost per unit that is 3.5. so 2 × 200 × 120 divided by 3.5 under root, so मेरा आता है 3703.28. so 3703 is my answer कि इतने units मुझे एक बारी में purchase करने हैं, number of units, तभी मेरी होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा मिनिमम आएगा। ठीक है गाइस, समझ आया? आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। तो जितना मैंने पढ़ाया है एक बार उस चीज़ अच्छे से समझ लो, ठीक है? मुश्किल नहीं है जो मैंने पढ़ाया, एक बार थ्योरी ज़रूर पढ़ना। मैंने बताया थ्योरी कभी नहीं छोड़नी हमें, थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लो सारी, जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से ग्रैब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे को चैप्टर खत्म करा दूंगा। चैप्टर में कुछ नहीं है, बस डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज़ हैं कि अगर क्वांटिटी डिस्काउंट हो तो ईओ क्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद अगर हमारा रीऑर्डर लेवल के कब रीऑर्डर लेवल के लीड टाइम वगैरह के साथ हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने होंगे रीऑर्डर लेवल में, रीऑर्डर लेवल विद वेरिएबल डिमांड एंड वेरिएबल लीड टाइम तो क्या होगा, ठीक है? और उसके बाद स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, जस्ट इन टाइम सिस्टम है, तो बस। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज, बस खत्म चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। जो मैंने कराया एक बार उसको देख लो, सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो और थ्योरी को प्लीज़ एक बार अच्छे से थॉरली पढ़ लो, ठीक है? चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट